वी हैव टू बी ऑन टाइम टुडे. यखनी पुलाव के लिए माफ़ कीजिएगा, आपने एक से डेढ़ एक किलो के बराबर आलू, जो आलू कह रही हो नाज़रीन सॉरी, जो चावल है ना उनको हमने अच्छी तरह धो के भिगो दिया. ये देख लें आप, चिकन जो है उसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया है. बॉयल करने के बाद जो यखनी है वो हमने अलहदा से रख लिया है. उसको आपने बेशक आप एक दो कप पी भी सकते हैं लेकिन ये अलहदा रख लिया है. इसमें मसाले बहुत सारे नहीं जाएंगे, बहुत मज़े की बनती है. इसमें साबुत गर्म मसाला, खड़ा मसाला जाएगा, जिसमें जो है जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दारचीनी, और उसके अलावा लौंग और लौंग ते में इलायची, लौंग डलेगी, मतलब सारा खड़ा गरम मसाला. अगर आपको वैसे पसंद नहीं तो आप मलमल की पोटली बना के भी डाल सकते हैं. लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक के, ज़ीरा, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, और गरम मसाले में ज़ीरा भी होगा तो मैं अलहदा से भी डालूँगी 1 से 1.5 टीस्पून. साबुत धनिया पाउडर जो है वो 1 से 1.5 टीस्पून डालेंगे. 2 बड़े साइज़ के प्याज और हसबे ज़ायका नमक. एक्चुअली यखनी में, यखनी पुलाव में नमक जो है वो सबसे अहम जो है रोल अदा करता है. नमक अगर कम है, ज़्यादा है या मतलब नहीं है तो दैट इज़ वो कहते हैं ना, उससे ज़रा गड़बड़ हो जाती है. तो आज जो है ज़बरदस्ती आज यखनी पुलाव बनेगा और आप लोगों की कॉल्स होंगी और एक स्पेशल कॉल भी होंगी हमारे साथ आज. स्पेशल कॉलर कौन होंगी वो जब कॉल मिलेगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी. अब अच्छा, इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डालेंगे हम. हरी मिर्चें भी जो पुलाव है ना उसका ख़ास एक होता है, उसमें आप जो है टेस्ट वाइज ना बड़ा मज़ा आता है उसमें. सो मैंने अपना एप्रन पहन लिया है, गियर अप हो चुके हैं हम लोग, और अब जो है मैंने फ्लेम ऑन करके आपने 1 कप के बराबर आपने इसमें ऑयल डालना है. आजकल घी का इस्तेमाल ना ही करें क्योंकि सर्दी है तो फिर वॉशिंग में और उसमें बहुत मुसीबत होती है. इस्लामा ने 1 कप के बराबर हम इसमें ऑयल डाल देंगे. हाँ, इसमें 2 से 4 टेबलस्पून में दही के भी डालूंगी जब हम चिकन को भून रहे होंगे. सो कॉल करें 0514102357 पे. आज का सवाल है कि अभी नहीं तो कभी नहीं किस साल रिलीज़ हुई, जो कि मैंने शान के साथ एक मूवी की थी. अजी 3 दिन हमारी बातें होता, हमको बहुत मज़ा आता. अच्छा, ये प्याज डाल दिया इसमें, ठंडे तेल में ही डाल दें, कुछ नहीं होता, सफाई भी कायम रहती है और मेस भी नहीं क्रिएट होता. और 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक, साथ साथ किचन की सफाई भी रखा करें. एंड ये उबली हुई चिकन, हाय हाय हाय, खा के चेक करने दें. ओके, इसको ढक देते हैं और हमारे साथ पहली कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. ओके सॉरी नाज़िन, मेरे ख्याल में स्पेशल कॉलर से बात कर लेते हैं. अभी हमारी स्पेशल कॉलर जो है उनसे अभी अभी बात करते हैं इंशाल्लाह. अच्छा, ये हरी मिर्चें मैं साथ रख लेती हूँ. एंड नाज़िन थैंक यू सो मच जितने कॉलर्स ने कल कॉल की और शमूलियत हासिल की. उसके बाद ज़ाहिर है हमारे साथ गेस्ट थे और खैबर टीवी का मॉर्निंग शो हो रहा था. सो उसमें प्यारी सी मेजबीन एहसन और साथ में जो उनकी थी, क्या नाम था उनका, चांद मियाँ, आई एम सॉरी, चांद मियाँ भी आए और उन्होंने खूब यहाँ पे शुगर लगाया, सरप्राइज़ दी. सरप्राइजेज अच्छी होती है नाज़िर, मज़ा आता है सरप्राइजेज में. कुछ लोगों को सरप्राइजेज नहीं पसंद, वो कहते हैं कि हमें सरप्राइज़ ना दिया करें भाई, ये क्या हुआ, वो चिढ़ जाते हैं. बल्कि चिढ़ने में वैसे हम लोग काफ़ी आगे हैं, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं मेरी तरह, लेकिन मैं कुछ बड़ी बातों पे. नाज़िन आज जिस तरह मेरे साथ हुआ है ना, उफ, यू कांट इमेजिन के वेलवेट पहन के जब ट्रैफिक ज़्यादा हो और ये जो रोड बन रही है ना PWD से वहाँ की, अल्लाह करे प्लीज़ इस साल ही बन जाए, उसकी वजह से इतनी गचपच है ना. एक हमारे साथ कॉलर हैं, अब इसमें हीट आ चुकी है, द हीट इज़ ऑन और ये अब हो रहा है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? आई एम ऑल राइट. आज मैंने कहा कि वैसे आपको सलाम करती हूँ, आज मैं आपको लाइव सलाम करूँ. कैसी हैं अम्मा जी, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आई एम ऑल राइट, थैंक यू जी. और मीशी, बात ये है कि आप अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के सारे टीम मेंबर्स जो हैं
यू आर द बेस्ट इंक्लूडिंग ऑल योर टीम मेंबर्स, यू आर द बेस्ट. थैंक यू. एक और चीज मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ तुम्हारे प्रोग्राम्स के बारे में जी, के तुम्हारे प्रोग्राम्स देख के तो एक मुझे जुमला मेरे दिमाग में आता है जी, वो ये कि आई वॉन्ट टू लिव. थैंक यू. तुम्हारे प्रोग्राम देख के तो इतना आदमी इतना इतनी ख्वाहिश हो जाती है कि सिर्फ ये जुमला आई वुड लाइक टू से कि आई वांट टू लिव. थैंक यू मामा जी. मामा फोन आपने दूर किया फिर से? नहीं दूर क्या किया, अब इधर ही रखें, अब इधर से ना लाएं, इधर ही रखें. अच्छा हाँ. थैंक यू मामा जी, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट यू नो. हाँ तो ये तुम पहले बता देती मुझे. नहीं तो और इसमें कोई शक नहीं है कि यू आर द बेस्ट. अच्छा मामा जी थैंक यू सो मच. इट इज नॉट बिकॉज़ यू आर माय डॉटर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा प्रोग्राम देख के तो आदमी कहता है कि भी और जीना चाहिए. थैंक यू मामा जी, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच. अच्छा ये बताएं कि आज की अच्छा आपके डिशेज और हमारे जो कल जो हमने डांस किया था मैंने और गुलजार भाई ने, सब बहुत खूबसूरत थे, सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सब एवरीबॉडी थैंक यू, सब बहुत अच्छे लग रहे थे. थैंक यू. अच्छा आपको बच्चों वाला हमारा शो कैसा लगता है मामा, बतूता वाला? बहुत अच्छा मीशी. अच्छा मैंने कहा ना मीशी, ऑल व्हाट आई कैन से इज दैट यू आर द बेस्ट. थैंक यू. यू कैन हैंडल एनीथिंग. थैंक यू. इसमें कोई शक नहीं. थैंक यू मम्मी. एंड ऑल माय गुड विशेस, सारे तुम्हारे कलीग्स जो है उन सबको मेरी तरफ से ढेरों दुआएं प्यार. दे आर ऑल वेरी स्वीट, स्पेशली जो आपके वर्कर्स और ये जो कटाई छटाई करते हैं कटाई करते हैं मामा. ठीक है, गुलदाद भाई हैं, फिर हमारे कैमरा टीम है, फिर कल जिनसे मुलाकात की थी मेकअप के थे, फिर वो जो कह रहे थे केटू के साथ एंजॉयमेंट चल रही है. दे आर ऑल वेरी स्वीट, बहुत बहुत मीठे लोग हैं और अच्छे लोग हैं. थैंक यू. थैंक यू मामा जी, बहुत शुक्रिया मामा जी. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल, लव यू. थैंक यू मामा, थैंक यू. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. हाँ जी ये थी मम्मी, जो कि आज बड़ी उन्होंने ऐसी बातें कर दी कि बहुत मज़ा आया. लेकिन अब ऑफ द स्क्रीन वो कहेंगी भाई तुम्हारा मेकअप ज़्यादा था, वो मेरी बेस्ट क्रिटिक है. तो थैंक यू मामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड अस्सलाम वालेकुम मामा, दार भजन बार भजन को मेरा खास सलाम. आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. और जो मम्मी की साथ में दो मेरी वो कंपेनियंस होती हैं, दिन में होती हैं विक्टोरिया, रात में होती हैं अनीता, और उनको मेरी कुकिंग और ये वो फरमाइशी प्रोग्राम उनका भी चल रहा होता है. सो उनकी भी फरमाइश जो है मैं साथ साथ पूरी करूँगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह. आज जो है यखनी पुलाव मिसिस अमानत की ख्वाहिश पे आज बन रहा है. नाजी मैं एक्चुअली मम्मी ने मुझे कहा कि गुलदाद भाई के साथ जो कल डांस था और अमाद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ जो डांस था ना वो सुपर हिट हुआ है, उसके क्लिप हमें बना के ना लगाने चाहिए फॉर श्योर. अच्छा इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्चें, लहसुन अदरक और प्याज के साथ, और इस टाइम पे अब हमने इसमें गरम मसाला डालना है, 2 से 3 ये दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग और क्या कहते हैं काली मिर्च, तो ज़ीरा भी साथ ही डाल देते हैं, और जायफल जावित्री, ये छोटे छोटे पीस हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे. ये नज़र तो आने चाहिए नज़र नहीं आएंगे आपको. अच्छा ये हमने डाल दी, मुझे ये बड़ी इलायची बहुत पसंद है, और ये नट मैग इसको कहते हैं जायफल, ये भी बहुत ज़बरदस्त है. इसको गुलदाब में तोड़ के डालना होता है ना, कि साबुत डालना होता है, साबुत डालना होता है. अच्छा साबुत डाल देते हैं, चलें जाने दें, डबल है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वाइस्लाम. वाइस्लाम कैसे हैं आप, कौन बात कर रहे हैं? आसिम बात कर रहा हूँ नवाबशाह से. आसिम अकरम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी खैरियत से. क्या कहना चाहेंगे? मुझे ना आप काबली पुलाव से बता रहे हैं. काबली पुलाव, एक सेकेंड. ओ वाह देखें आसिम साहब हमारे लिए जीब्रा का आया है नया पैड, इसको बाद में करेंगे अभी. अच्छा बताएं क्या काबली पुलाव. काबली, अच्छा आपके घर में कौन बनाता है?
वैसे तो मेरी वाइफ बनाती हैं। अच्छा अच्छा, तो वो तो उनको आता होगा कि नहीं? हाँ अच्छी आती, जबरदस्त आती है, कुकिंग अच्छी आती जबरदस्त। अच्छा ठीक है, आपकी फरमाइश पे आप बात कर रहे हैं कहाँ से? नवाबशाह से, एम कासिम साहब। एम कासिम फ्रॉम नवाबशाह, ठीक है नवाबशाह, ये आपका मैंने लिख लिया। और कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद आपने कुछ देखा? यही मॉर्निंग शो में देखा आपको। अच्छा ठीक है, तो आपकी फरमाइश इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी, अगले हफ्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एम कासिम साहब, बहुत शुक्रिया नवाब शाह। नाजी नवाब शाह का भी आए है, पूछना चाहिए था नवाब शाह में क्या चीज़ मशहूर है। अच्छा अब आप देख लें, साबुत गर्म मसाला, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक जो है ना वो बेहतरीन तरीके से सकता अगर आप देखें। और इसमें अब मैं ये जो उबली हुई चिकन है ये डाल दूँगी, ये आधी चिकन लगता है गुलदाद भाई ने। और इसमें ये साबुत सॉरी पिसा हुआ धनिया 1 से 1.5 टीस्पून ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ हम इसमें रायते के लिए तो बनाएंगे, रायता तो इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन इसमें 4 टेबलस्पून हमने दही के डालने हैं। इससे ना आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार स्मूथ बनेगा और टेस्टी बनेगा, स्मूथ बनेगा नाजिन। सॉरी, ये अल्लाह बख्शे एक हमारे होस्ट थे वो स्मूथ कहते थे ये। अच्छा सोशल मीडिया पे, अच्छा ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें चावल यखनी और इसको रख देंगे पकने के लिए। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल पे। अच्छा अल्लाह करे आज इंशाल्लाह अच्छा बने। अच्छा अब मैं पूछना चाहूँगी, एक तो आप लोगों ने अभी दोनों ने नाजिन काम बड़े बड़े किए हैं, दोनों के वापस आ चुके हैं हमारे साथ, टीवी के दो लेजेंड्स स्टॉलवर्ट्स इस वक्त अपनी अपनी फील्ड में मौजूद हैं, द वन एंड ओनली ख्वाजा साहब ख्वाजा नजमुल हसन, एंड साथ में प्यारे से हमारे तौसीक हैदर। ये वही वाइट को आपने देखा है इनकी वार्डरोब माशाल्लाह से इंस्टाग्राम पे, ये तौसीक की तो बहुत गजब है ना, और डिफरेंट येलो भी पहना होगा, रेड भी करके कपड़े पहनवाते हैं। पता है कभी हमने किसी इवेंट पे जाना कुछ ना तो फोन आता है, अच्छा वो जो तुम्हारा वो जो फलाना वाला जैकेट है ना मुझे बड़ी पसंद है, वो आज वो पहन के आना, ये फरमाइशें करके मुझे कपड़े पहनवाते हैं। और ख्वाजा साहब मेमोरी मेमोरी इनको मेरे का खासा, मुझे नहीं याद कि वो फ्लान नहीं नहीं वो मैं कह नहीं इस रंग का मेरे पास कोई जैकेट नहीं, तो अपनी अलमारी खोल वे खो फ्लाने बैग में बड़ी पता क्या है, तुम अखरोट खाया करो और बादाम। अच्छा सब चीजें छोड़ दिया, आई एम ऑन वेज एंड अखरोट एंड बादाम, इट्स वेरी गुड फॉर द मेमोरी। That's so true. अखरोट को देखो उसका ब्रेन की तरह है, ब्रेन की तरह का ब्रेन है। हाँ और वो उसके अंदर होता है छिलके में। हाँ छिलके। ये सर ने इतनी जबरदस्त। और बादाम हार्ट की तरह। हाँ हार्ट की तरह। हार्ट की तरह है वो हार्ट के लिए। सर लेकिन आप खुद भी always dressed up to the point। स्कार्फ होता है, टाई होती है, बहुत माशाल्लाह well dressed। सर कैसे खुद ही आप अपने जाहिर है, और मेरे कोई मेरे चाचे का पुत्र रखा हुआ है ऐसा वार्डरोब डिजाइन है। ये मेरे मेरा नाम ख्वाजा नजमुल हसन है, ये मेरे चाचे के पुत्र हैं मोहम्मद बशीर इनका नाम है, ये मेरी वार्डरोब करते हैं रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने अपना एक मैनेजर रखा नहीं खुद मेरा कोई चमचा नहीं होता मेरे, तुमने देखा होगा मैं अकेला आता हूँ हाथ में बोतल पकड़ के पानी की या इसके साथ बैठ जाएगा गाड़ी में बैठ के निकल। अच्छा इनके साथ बाकी कोई मैनेजर या कुछ नहीं होता, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा अब ये खुलने वाला है ना, ओए होए होए, दम लगाना था, दम निकालना नहीं था, दम लग गया, दम लग गया नाजीन। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक सेकंड ये पहले कर लूं, उसके इतना मुंतजर हूं कि ये पुलाव खाया जाए है ना, मुंतजर। ये लें एक इधर आ जाए मिशी के और एक इधर ये लें सर, सेंटर में आप होंगी और ये मैं इसलिए शॉर्ट डिविजनिंग पहले से बना लेता भाई ऐसा मेहमान आ जाए तो प्रोड्यूसर बड़े खुश होते हैं जिनको खुद ही पता हो किधर खड़े होने क्या करने ना सर आई एम सॉरी, थोड़ा सा बस थोड़ा, वाह 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 वाओ, पता नहीं कैसा बना है, खाबे जरूर अच्छा होगा, खाबे लेम, काली मिर्च मुझे जरूर डाल के देते, ये थोड़ा मिशी थोड़ा स्मार्टनेस आप कह रहे थे नमक कम है, नमक बिल्कुल सही है, सही है, हरी मिर्च चाहिए सर आपको, मुझे चाहिए ये आपको, ये ले हरी मिर्च है, ये ले, हां नाजीन अगर इनकी तरफ से मुझे आ रहा है क्योंकि ये दोनों खाने के मामले में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, सर और तौसीक दोनों। अच्छा अब देखो 15 मिनट में तुमने सब कुछ बना लिया सर, ये देखें कसम से, ये देखें इतनी सुगर हो तुम है ना, लेकिन मैं अकेली हूं
चलो देखते हैं कुछ है ना, है ना? आज ख्वाजा साहब ने पास किया तुम्हें है ना, अब देखते हैं। आई एम दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और ये क्या, अब हमें मिलते रहना चाहिए, अब मुझे लगता है 2023 का ये हमारा पैक्ट हो के हफ्ते में एक दफा मिले एटलीस्ट, मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही, चाय पे कॉफी पे ऐसे ही। देखो टोनी चला गया और उसके जाने से हमें ये पैगाम लेना चाहिए कि अपने दोस्तों को प्यारों को फॉर ग्रांटेड मत लें, बिल्कुल टेक आउट टाइम, उन्हें मिलें, उनको एक कॉल ही कर दें और ये मत समझें कि अच्छा वो तो बस है ही है।